हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है व्लॉग एडिट करते वक्त, और यहाँ में हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं एरिश की मस्तियों से। सुबह सुबह यहाँ ये घुस गए हैं सोफे के पीछे, फिर मैंने इसको निकाला और चलना सिखाया। अच्छा, मैंने इसके लिए बनाया था ओटमील अपने लिए भी और इसके लिए भी दलिया, लेकिन इसने नहीं खाया। तो फिर यहाँ मैं इसके लिए बना रही हूँ सूजी बिल्कुल थोड़ी सी, और बनाना मैंने मैश करके रखा है। तो ये किचन में आके मेरे साथ खेल रहा था। अच्छा, यहाँ मैं सूजी भून रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे सूजी भून रही थी मैं, भूनती 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 फिर एरिश आ गया, उसको गोद में आना था, फिर उसको थोड़ा सा खेलना था, फिर वो खेला, फिर मैंने उसको छोड़ा। अच्छा, यहाँ पर सूजी भून गई है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध, और इसको मैं थोड़ा सा दूध डाल के पकाऊँगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपना आधा मैश किया हुआ बनाना। अच्छा, बनाना डाल देंगे आप तो फिर आपको कोई चीनी वीनी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बनाना ऑलरेडी भी मीठा होता है। तो यहाँ पे मैंने मैश हाफ बनाना मैश करके डाला है सूजी के अंदर, और दूध में पकाना है इसको बस। और ये इसका आज का ब्रेकफास्ट है। मैंने कहा चलो कुछ नया ट्राई करती हूँ। मैंने नया ट्राई करने के लिए दलिया भी बनाया था, लेकिन दलिया उसने नहीं खाया, तो दलिया मैंने ही ख़त्म किया। फिर खा के वो मुझसे खाया भी नहीं जा रहा। तो खैर, अभी इनका ये रेडी हो गया, मैंने निकाल लिया उसको, और मैं जा रही हूँ वो ठंडा करने के लिए रख दिया मैंने। तो अब मैं यहाँ पे मैं दवाई पी रही थी अपनी, जो मेरी मॉर्निंग की मेडिसिन होती है, तो वो ले रही थी मैं। उसके बाद अब हम गए हैं इनकी हाई चेयर पे, और अब हम इनको बिठाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आजकल ये हाई चेयर में बैठता ही नहीं है, क्योंकि इसको पता होता है कि ये हाई चेयर में बैठेगा तो इसको खाना खिलाएंगे हम, और या हाई चेयर में बैठते ही बस रोना स्टार्ट कर दे, कहता है कि मुझे खाना नहीं है। तो खाने से पहले बेब पहना देते हैं हम इनको, ताकि ये ज़्यादा अपने कपड़े गंदे ना करें, थोड़े थोड़े करें, कोई बात नहीं। अच्छा, तो इसका ये रहा खाना, ये अभी ठंडा हो गया है ऑलमोस्ट, और इसको मैंने थोड़ा वेट कर लिया था, ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर तो बस इनका बैठते ही रोना स्टार्ट हो गया, तो मैं इसके साथ बैठ के थोड़ी सी मस्तियाँ करी थी ताकि इसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए और ये फिर रोए नहीं ज़्यादा। लेकिन फिर भी इसको खाने में तो आपको पता है कि तंग तो करना ही है ना। तो अच्छा, मैंने ऑरेंज भी दे दिया खेलने के लिए, लेकिन ऑरेंज तो इससे ये बस थोड़ा सा खेलता है, उसको मुँह में लेता है, फिर उसके बाद उसको फेंक देता है। तो यहाँ बस मैं इसके साथ मस्ती कर रही हूँ, उसको सामान चढ़ा रही हूँ, उसके साथ खेल रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे उसमें आ जाए मूड में और खाना खा ले। लेकिन भाई, इनको खाना नहीं खाना, इनको कुछ भी नहीं खाना, बस दूध पीना है। सारा टाइम दूध दूध पी लेता है, लाइक वैसा नहीं कि ज़्यादा दूध पीता है, दूध भी बहुत कम पीता है। तो मैं चाहती हूँ कि खाना प्रॉपरली खाए अच्छे से ना, लेकिन ये मुझे इतना परेशान करता है खाने में। सारे बच्चे करते हैं ऑफकोर्स, लेकिन ये आपको ज़्यादा ही करने लगा है। पहले फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया करता था, लेकिन अब तो वो थोड़ा बहुत भी नहीं खाता है। मैं ये भी नहीं चाहती कि भर भर के खाए, यू नो, थोड़ा थोड़ा खा ले एटलीस्ट। अच्छा, खाने के बाद जो है वो उंगली से अपने हाथ डाल के ना उंगली से बाहर भी निकालता है ये खाना। आप ऐसा कर रहा है इसको, जैसे रोटी वोटी दे दो तो हाथ से निकाल लेता है निकाल के। अब ये है जैसे इसने इसमें अभी उंगली डाली है तो निकाला, और इतना रोता है खाने के लिए, जैसे पता नहीं कौन सा जुल्म का पहाड़ इनके ऊपर तोड़ दिया है हमने। तो ये इस तरह रो रो के हमें परेशान करते हैं हमारे साथ जाते। लेकिन हम भी इनकी माँ हैं, ये अगर सहरे तो हम भी सवा सहरे, हम भी बोलते हैं कि हम बस नहीं करेंगे। तो मैं इसको खिलाने की कोशिश में लगी रहती हूँ कि नहीं इसके लिए बनाऊँ, उसको खिलाऊँ, कोई बात नहीं ज़ाया जाएगा, इट्स ओके, बट ही हैज़ टू ईट, यू नो, इसकी यही एज है खाने पीने की, खाना पड़ेगा इसको। तो बड़ी मन्नत और लाइक वो क्या बोलते हैं मुर्रा, ज़बरदस्ती करने के बाद एक वाला खा के देता है, रोया नहीं खाया इसने कुछ भी, ऐसी का ऐसी ये रखा है। लेकिन फिर मैंने भी जो है ना वो हार नहीं मानी, इनको ले गई मैं कमरे में बिठा के लेटा के थोड़ा थोड़ा खिलाया ज़बरदस्ती ताकि खाए, और लिटा के खिलाओ तो वो कहीं करता है, तो फिर मैं उसको बिठा देती हूँ कि अगर निकालना है तो निकाल ले, कोई बात नहीं, लेकिन खाए जब तक खाना नहीं सीखेगा। तो यार वीडियोस देखो तो उसमें तो बच्चे माशाल्लाह खा रहे होते हैं, अपने हाथ से खा रहे होते हैं, 6 महीने के 8 महीने के 1 साल का होने वाला है, इसको खाना चाहिए ना, तो ज़बरदस्ती करना पड़ता है, क्या करें। अच्छा, मेरे नाखून इग्नोर करो, अर्क लगा हुआ है, काटना भूल गई, और
फिर अब हम आ जाते हैं वापस से किचन में। इन्होंने बिल्कुल 2-3 चमचे खाए तो मैंने बोला चलो छोड़ो इसको, हम रख देते हैं। यहाँ बनाने लगी मैं चाय, चाय के साथ चाय बन रही है। और एलिस को मैं छोड़ के गई जल्दी से अपना ये ब्रश करने के लिए। सुबह मॉर्निंग ब्रश ही नहीं किया मैंने, तो मैंने कहा चलो ब्रश कर लेते हैं, इसके अब्बा आए तो अब इनको छोड़ के एलिस को, तो वरना तो वो सामने वो साथ होता है तो जाता नहीं है ना, तो इसलिए। अच्छा यहाँ चाय बनकर रेडी हो गई है, तो मैंने कहा चलो बस ये चाय निकाल लूँ। चाय बताएं कैसी बनाई है मैंने, मैं चाय पीती नहीं हूँ लेकिन मैं बना लेती हूँ अच्छी। बट कभी आपने मुझे चाय नहीं पीता देखा होगा क्योंकि आई डोंट लाइक चाय। और यहाँ ये बिस्किट के साथ खाएंगे चाय। तो बस अभी एरिस को देखो अपना खाना छोड़ के, अपना खाना नहीं खाना लेकिन उसको अपने अब्बा के वो बिस्किट्स खाने, तो ये बिस्किट को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। जब वो खोल रहे हैं और जब दे दिया तो खुश हो रहा है। मैं बोल रही हूँ नो नो नो, तो मुझे देख के हंस के और उसने बिस्किट ले के फ़ौरन रख लिया मुँह में। अच्छा वो भी इसने खाया नहीं था, नीचे फेंक दिया था। अब यहाँ बारी आ गई एरिस की सुबह की पोटी करने की। इसका पोटी करने का स्टाइल मुझे इतना अच्छा लगता है, सब बच्चों का अच्छा लगता है, क्यूट लगते हैं बच्चे ना पोटी करते हुए। वो अलग बात है कि पैंपर खोलो तो गंदी स्मेल आती है लेकिन अच्छा एरिस कभी कभार ऐसे बैठ के पोटी करता है, कभी कभी खड़े होकर करता है। और आजकल इसको कॉन्स्टिपेशन हुआ हुआ है क्योंकि इसका हमने दूध चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ हम आ जाते हैं लिविंग रूम में। मैंने बिठाया एरिस को और टीवी लगा दिया उसका ताकि वो टीवी देखे, और फिर मैं जल्दी से अपने थोड़े बहुत काम ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ मुझे धोने थे सबसे पहले बर्तन, तो मैं जल्दी जल्दी गई उसको टीवी लगा के कि मैं बर्तन धो लूँ। वैसे मैं उसको टीवी नहीं दिखाती लेकिन जब मुझे कुछ काम करना होता है तो कर लेती हूँ। आई डोंट नो मुझे कुछ करना था तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैं बर्तन मुझे अभी धोने हैं। मैंने जल्दी से सिंक साफ़ किया और आके मैं बैठी, और जैसे ही मैं बैठी तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी निकालो, मुझे भी निकालो, है ना। तो मुझे देख रहा था लेकिन खैर मैंने उसको छोड़ दिया थोड़ा सा। फिर अब हम उसको टीवी जब तक बंद किया मैंने उसको, मैं अंदर आई और यहाँ आके इसके मैं नेबुलाइज़र लगा रही हूँ। नेबुलाइज़र इसको इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो टीवी देख रहा था तो मैं बैठी थी, तो मैंने कब उससे बैठा नहीं गया, मैंने कहा चलो थोड़ा कुछ और काम कर लेती हूँ। तो नेबुलाइज़र इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि उसका जो है ना सीना बहुत जकड़ा हुआ है और दवाई से सही नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे और बच्चों की दवाई नहीं आती खांसी के अलावा। तो जब सीना जकड़ जाता है तो फिर वो बच्चों को नेबुलाइज़र देते हैं इस तरह। अच्छा मास्क भी होता है जो नहीं होता मुंह पे लगाने वाला मास्क, अब वो उस तरह का भी होता है, लेकिन ये वो लगाता ही नहीं है, लगा दो तो निकाल निकाल के फेंकता है। तो ये वाला होता है, दूसरा वाला पार्ट इसके साथ आता है, तो ये लगा दो बच्चों के मुँह में। इससे भी ये बहुत मुश्किल से जो है वो लगाता है, बड़ा तंग करता है इसके साथ भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं करना तो पड़ेगा। तो मैं आप क्या, पहले मैं नहीं टीवी लगा के दिखाती लेकिन अब मैं टीवी खोल के लगा के इसको ये लगाती हूँ, तो इसमें ये थोड़ी देर लगाते हैं पर उसके बाद इसका शुरू हो जाता है। तो फिर मुझे थोड़ा सा बाहर लगाना पड़ता है ताकि सांस लेगा तो ये अंदर जाएगा, उसके बाद इसका हो जाता है सामने सोने का टाइम। तो ये गया है अंदर और दूध पी रहे हैं ये यहाँ पे, खाना तो उन्होंने खाया नहीं है तो ऑफकोर्स दूध चाहिए। अच्छा दूध पी के तो उनको ऐसा नशा चढ़ जाता है तो फिर चाहिए टून हो गए, अभी यहाँ पर सो गए हैं बड़ी लंबी। तो मैं इसको पहले बेड पे सुलाती हूँ फिर उसको उठा के ना नीचे लिटा देती हूँ क्रेब में, ताकि मैं जो है वो सारे घर के काम कर सकूँ क्योंकि फिर काम नहीं हो पाते ना, तो इसलिए। अच्छा तो आज मेरा मूड था साग बनाने का लेकिन ऐसा हुआ कि ये चले गए बाहर तो गाड़ी के लिए काम से, तो वहाँ से खाना लेकर आ गए। तो फिर मैंने कल लेकर आए खाना, तो फिर वो लेफ़्ट ओवर था तो मैंने बोला वो ही खा लूँगी, और फिर लीज ने बोला कि वो टाकोस बनाएगी। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो इसका ये साग का जो है वो आधा काम करके रख देती हूँ और बाकी का मैं जो है वो बाद में कर लूँगी, यू नो। तो क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है तो मैंने कहा चलो आज ये सारा कटिंग वटिंग करके इसको उबाल के इसको रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2-3 किस्म के लिए थे, और एक पालक लिया था और एक मस्टर्ड था और पता नहीं एक ट्यूलिप था कौन सा था। तो मैंने कहा चलो कोई सा भी हो, अब यहाँ पे तो सरसों का उसका वो नहीं मिलता ना, तो जो मिलता है वही करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मैं पालक काट रही हूँ, बाकी मैंने वो काट के भिगो दिया, जब तक वो हो जाएगा तो फिर इसको डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर ये पालक भी सारा कट गया है, तो और अभी मैंने कहा चलो पालक को भिगोती हूँ। तो मैंने पहले वाले को ड्रेन किया और इस वाले को भिगोया, और यहाँ पे मैं अपने खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ में ये सारे काम भी कर रही हूँ। अच्छा तो खाने के लिए मैंने अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने लिए अभी ये स्पैरेगस को बेक करने के लिए रखा है एयर फ्रायर में,
क्योंकि आजकल मुझे एस्पैरेगस अच्छा लग रहा है और वेजिटेबल्स यू नो खानी चाहिए, तो और वेजिटेबल्स तो इतना नहीं खाती हूँ मैं जितना, तो मैं सोचती हूँ कि जो मुझसे खाया जा रहा है वो खा लूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची डालनी थी लेकिन मैं मिर्ची डालना भूल गई। ये मेरा खाना रेडी हो गया, एस्पैरेगस एंड देन कल का लेफ्ट ओवर चिपोतले जो बिल्कुल थोड़ा सा है, और इसके साथ मेरे पास है कल की बची हुई लेफ्ट ओवर फ्रूट चाट। फ्रूट चाट जो है मैंने वो कल बनाई थी और ये बच गई थी, तो ये मैंने रख दी थी फ्रिज में, तो आज बस यही खाऊंगी और इसके साथ पियेंगे हम कोकोनट वाटर। अच्छा यहाँ पे ये पालक ऑलमोस्ट हो गया था तो मैं इसको गोटा लगा रही थी लेकिन अभी इसका पानी नहीं सूखा था, और गोटा लगाने में कितना टाइम भी लगता है यार, लेकिन अब क्या करें। किया मैंने थोड़ा सा, बाकी मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे एरिश भी उठ गया था तो मैंने इसको यहाँ पे बिठाया और मैं इसका खाना गर्म करने के लिए आ गई, तो मेरे पास मटर पुलाव रखा था और ये मैंने फिनिश नहीं की। मटर पुलाव मैंने गर्म किया और एरिश को सामने रख दिया, मैंने कहा ये एरिश खाएगा। मटर पुलाव मैंने फीका फीका सब बनाया था। हेयर्स आई एम रेडी और एरिश भी रेडी है, मैंने कुछ नहीं किया, मुँह साफ करा था और क्या किया, मुँह साफ़ करके बस जैकेट वगैरह पहनी है, वहाँ इतनी ठंड तो नहीं हो रही है तो उसने हल्का सा बस जैकेट पहन लिया, और एरिश को भी मैंने हल्की सी जैकेट बना के तैयार कर दिया। इसको मैं बाद में आके नहलाऊँगी वैसे तो, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है फिर मिलते हैं, क्या करने जा रहे हैं दिखाती हूँ मैं। तो हम लोग जा रहे थे एरिश का दूध का डब्बा लेने के लिए बाहर, और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, 50s में टेम्परेचर हो रहा था, जैकेट की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हल्की हल्की हमने पहन ली जैकेट। और मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ वॉलमार्ट एंड बंदे को पता नहीं क्या हो गया है, वो जगह दे रहे थे किसी को। खैर तो खैर एरिश को हमने बिठाया यहाँ पे कार्ट पे, एरिश को भी मैंने हल्की सी जैकेट बनाई थी और कार्ट पे बैठा एरिश, और हम लोग जा रहे हैं अंदर, इसको अच्छे से सिक्योर कर दिया ताकि ये गिरे ना इधर उधर, ये भी तो लूलू पंजू इधर उधर गिरते रहते हैं, तो मैंने इसको बांध दिया। अभी हम वॉलमार्ट आए थे एरिश को दूध लेने के लिए और यहाँ पे एरिश का दूध का डब्बा ही खत्म हो चुका है पूरा का पूरा, सो मैं दोबारा ये दूसरी जगह जा रही हूँ, देखती हूँ वहाँ पे मिलता है कि नहीं, वो वहाँ पे वैसे भी नहीं होता और अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ सो आई डोंट नो। चलो देखते हैं कि यहाँ पे होता है और क्या नहीं। यहाँ पे भी नहीं है, देखो सारे ये जो है ना ये खाली पड़ा है पर्पल वाले कैंस। तो अभी हम यहाँ पे कस्टमर सर्विस पे खड़े हैं और यहाँ पूछना पड़ेगा लोगों के पास है और क्या नहीं है। देखो हम घर आ गए और अरिश को देखो यहाँ पे कैसे लेट गया। अरिश उठो, उठ के बैठो। तो वॉलमार्ट से आने के बाद तो मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉग बना रही थी, उसके बाद लीज आकर उससे बातों में लग गई, उसने बनाए यहाँ पे टाकोस, और जब बना रेडी हो गए तो मैंने फिर मुझे याद आया कि वीडियो बनानी, तो मैंने कहा चलो आपको ऐसे दिखा देती हूँ। टाकोस खाए हमने, बहुत मज़े के थे। उसके बाद नोए और मैंने आइसक्रीम इन्जॉय की, एंड यस थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नदर व्लॉग में।